चलो दोस्तों, आज हम सिंपल तरीके से सेवई बनाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, घरेलू तरीका, एकदम सिंपल सा। ज़्यादा झंझट वाला नहीं है, डालो वो डालो। देखो, सेवई ले और बर्तन में पानी डाले 1 गिलास। उबलने के बाद जो सेवई है उस सेवई उसमें डाल दो और उसको अच्छे से 5 मिनट के लिए पकाओ। पकाने के बाद उसको, उसका जो गुठली है उसको फोड़ दो। देखो, इसी तरह आप फोड़ सकते हो। फोड़ने के बाद क्या करें, 2-3 मिनट उसको अच्छे से पकने दें। देखो, अभी पक गया है, उसका पानी हम निकाल देंगे। देखो, पानी निकाला है। निकालने के बाद उसमें दूध डाल देंगे, जो सबके घर में रहता है दूध। देखो, इसी तरह आप जब वो सिवर डूबे उतना दूध आप डाल सकते हो। आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर डालने करना। के बाद क्या करेंगे, उसमें शक्कर डालेंगे हम 2 चम्मच या 3 चम्मच, आपको कितना मीठा लगता है उसी हिसाब से आप शक्कर डाल सकते हो। देखो, हमने 2 चम्मच डाला है, थोड़ा ऊपर डाला है, आपके हिसाब से आप डाल सकते हो कितना आपको मीठा चाहिए। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करें, देखो इसी तरह, और उसको ढक्कन लगा के 2 मिनट अच्छे से पकने दे। 2 मिनट के बाद ढक्कन उठा ले और उसको 1 मिनट के बाद अच्छे से धीमे आंच पर पकाए। दोस्तों, आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह आप पकाए और उसको खाने के लिए उसको निकाले। देखो, बहुत ही सिंपल सा तरीका है बनाने में, कुछ झंझट नहीं, कुछ नहीं, ये डालो वो डालो इसके नहीं। वही ऐसे बनाओगे तो बहुत स्वादिष्ट लगेगा और आपका नाश्ता भी बहुत अच्छे होगा। आई हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर